नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905906906089753830455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @studyforcivil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले मेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटीज That was proposed in budget 2022-23. 2022-23 के बजट में प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में संभावित लाभ और चुनौतियां क्या हो सकती हैं? तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि भारत सरकार ने अपने बजट 2022-23 में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। डिजिटल विश्वविद्यालय की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप है, यानी डिजिटल विश्वविद्यालय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इससे अलाइन करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि क्या उद्देश्य है सरकार का डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर के। तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रारूपों में दरवाजे पर यानी डोर स्टेप पर विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जा सके, यानी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन डोर स्टेप पर प्रोवाइड की जा सके डिफरेंट इंडिविजुअल लैंग्वेज में और ICT फॉर्मेट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके अलावा दूसरा उद्देश्य सरकार का ये है कि मौजूदा प्रणाली का लाभ उठाने और नई तकनीकों के साथ इसे एकीकृत करने के लिए विश्वविद्यालयों को हब और स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा, यानी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको हब और स्पोक मॉडल पर विकसित करके नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएंगी, नए कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे और ये पूरा एक हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगा पूरा सिस्टम, जिससे कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहे। उसके अलावा देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित किया जाएगा। फिर अगर हम फायदे की बात करें कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज के एस्टैब्लिशमेंट से क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहला आता है कि आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ कैसे होगा? जब एकेडमीज पूर्व पाक शिक्षा देंगी देश में, यानी कि प्री पैकेज एजुकेशन मिलेगी, किस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कोर्स की एजुकेशन मिलेगी जिसकी रिक्वायरमेंट है IT फील्ड में या पर्टिकुलर फील्ड में, इस तरीके की अगर पैकेज एजुकेशन मिलेंगी, अगर स्टूडेंट उसी एजुकेशन को लेगा जिससे कि आगे जाकर के उसे तुरंत नौकरी मिल सके या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चुनेगा एजुकेशन, तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके अलावा चूंकि वर्तमान विश्वविद्यालय मॉडल अनुकूलित शिक्षा के बिना कठोर और पारंपरिक है और ये छात्रों की ज़रूरतों, रुचियों, विषम क्षमताओं और विविध संज्ञात्मक क्षमताओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं, डिजिटल विश्वविद्यालयों का लचीला कभी भी कहीं भी मॉडल इस मुद्दे को हल करने में सक्षम होगा। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो आज का प्रेजेंट मॉडल है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ समझने में टाइम लगता है, उसी सेम सब्जेक्ट को समझने में कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी समझ लेता है, वहीं सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं आज के करिकुलम में जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और जो आगे जाके के कुछ ज़्यादा काम भी नहीं आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ज़रूरत हो गई, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ बच्चे लेना चाहते हैं, कुछ अपना एकेडमिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे उनके प्रेफरेंस होती है स्टूडेंट्स की अलग अलग, और उस प्रेफरेंस के हिसाब से आज का एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है। और अगर डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो डिजिटल सिस्टम आता है तो ये सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा और जो स्टूडेंट की नीड है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो कैटर कर सकेगा नीड्स को, और एनी टाइम और एनी वेयर मॉडल यानी कि फ्लेक्सिबल मॉडल इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक और लाभ ये देखने को मिलेगा कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ अद्यतन रहने के लिए नए कौशल को अपनाया जाएगा। अब जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगी, तो जो कोर्सेज होंगे उससे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहेंगे और आगे आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होने वाला है उसके लिए आगे जाके कोई अलग से स्किलिंग या आप स्किलिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी से रूबरू रहेंगे बच्चे पहले से ही। फिर उसके अलावा
क्योंकि डिजिटल विश्वविद्यालय नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर आधारित होंगे, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास होगा। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटाइज सिस्टम होगा, बच्चों को डिजिटल नॉलेज बढ़ेगी और डिजिटल नॉलेज बढ़ने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जो कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आने वाले समय में आने वाली ये टेक्नोलॉजीज, इनका विकास होने वाला है, इनका भारत में और विकास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फायदे हैं डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के तो इनसे रिलेटेड कुछ चिंता या कंसर्न्स भी हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको मेंस आंसर राइटिंग पीडीएफ प्लेलिस्ट की सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करी जाएंगी, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी और आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वन टू वन गाइडेंस मिलेगी जिससे आपकी क्यूरीज, डाउट्स सब सॉल्व होंगे, आपको आपके प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा और आपके प्रिपरेशन में बहुत सुधार होगा। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चिंताएं या कंसर्न्स हैं डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। तो सबसे पहला कंसर्न देखने को मिलता है कि ऑनलाइन लर्निंग इन पर्सन लर्निंग से कमतर है, यह एक्सपर्ट्स का कहना है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो पास बिठा करके कॉपी में लिखा करके जो लर्निंग होती है, जो टीचर्स के साथ इन पर्सन कॉन्टैक्ट से लर्निंग होती है, उसका इफेक्ट अलग होता है ब्रेन पर, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है उसके कंपैरिजन में जो कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं भी, जैसे कि कहते हैं कि जो बुक आप हार्ड कॉपी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग पर ज़्यादा असर डालती है, वो आपको ज़्यादा समझ में आती है, रादर जो आप सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ जो रिपोर्ट्स हैं इनमें कहा जा चुका है। तो इसी से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फीरियर होती है ऑनलाइन लर्निंग ऑफलाइन या इन पर्सन लर्निंग से। उसके अलावा देश में जो मौजूदा डिजिटल डिवाइड है वो डिजिटल शिक्षा के प्रवेश में एक रुकावट है। तो अभी भी बहुत सारे इलाके इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की अभी तक बिजली की भी पहुँच नहीं है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे वो किस तरीके से डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का लाभ उठा पाएंगे। तो इंडिया का जो डिजिटल डिवाइड है वो काफ़ी बड़ा एक रुकावट है डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंशन को लेकर के, डिजिटल एजुकेशन के एक्सपेंशन को लेकर के। फिर उसके बाद जिन पाठ्यक्रमों में प्रयोगशाला के काम की आवश्यकता होती है वो सारे सब्जेक्ट्स इफेक्ट होंगे। अब काफ़ी आप केमिस्ट्री ले लीजिए, आप बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको आप लैब में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। लेकिन डिजिटल लर्निंग से क्या होगा कि अगर किसी तरीके से चलिए, अगर कोई प्रैक्टिकल लैब बना भी दी गई, कुछ प्रैक्टिकल लैब लीज पे देने की बात की गई कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ इनकी एफिलेटेड लैब है, पर वो पर्सनल टीचर का गाइडेंस नहीं मिल पाएगा बच्चों को, तो जो लेबोरेटरी वर्क वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अफेक्ट होंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों दोनों को गैजेट के बारे में जानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जैसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी बिजली की पहुँच नहीं है, वहाँ पे लोगों को अभी इंटरनेट की इतनी नॉलेज नहीं है, स्मार्टफोन्स हैं भी तो बिजली नहीं उन्हें चार्ज करने के लिए, अभी तक गैजेट्स पहुँच भी नहीं पाए हैं, तो वहाँ लोगों को गैजेट्स ऑपरेट करने भी नहीं आते हैं। तो वहाँ के शिक्षक और वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप फेस करेंगे डिजिटल लर्निंग से। इसके अलावा अनुसंधान गतिविधियां यानी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड है, क्योंकि जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं एक तो वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पहली चीज़ काफ़ी सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो एक पर्टिकुलर टीम के बीच ही साझा की जाती हैं। उसके अलावा रिसर्च में जो शोध के कार्य होते हैं इनमें व्यक्तिगत बातचीत और चर्चा की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो अगर रिसर्च वर्क ऑनलाइन किया जाएगा तो एक तो पहला ये होगा कि लूपहोल देखने को मिलेगा कि उनका रिसर्च वर्क लीक हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है उनका जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको। उसके अलावा उनको उतना पर्सनल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा रिसर्चर्स को जितना उन्हें ऑफलाइन में देखने को मिलता है, और इस वजह से रिसर्च वर्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा रिसर्च वर्क को तो एक तरीके से उसका बजट अलोकेशन भी कम हो जाएगा, और रिसर्च में बजट कम होगा तो रिसर्च के काम पर वैसे भी इफेक्ट पड़ेगा, रिसर्च के कामों में वैसे भी बजट बहुत कम है और वो और कम हो जाएगा, तो इससे रिसर्च का जो इंडिया का R&D वाला सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा।
फिर अब तक गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं डिजिटाइज करने की यूनिवर्सिटीज़ को या एजुकेशन को, तो उसमें सबसे पहला जो कोविड के टाइम पर आया है वन क्लास वन टीवी चैनल इनिशिएटिव, जो कि पीएम ई विद्या के अंदर आता है और इसको बेसिकली लाया गया है, एक्सपेंड किया गया है। जो बच्चों की एजुकेशन छूट गई थी कोविड 19 के टाइम पे, तो वह एजुकेशन ना छूटे, वो टीवी के थ्रू टीवी चैनल्स के थ्रू ही अपनी एजुकेशन को पूरा रख सके, ये एक मेन उद्देश्य था। उसके अलावा स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा पोर्टल है, ई पाठशाला है, फिर ई ज्ञानकोश है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, वर्चुअल लैब्स है, ये बहुत सारे स्कीम सरकार अब तक लेके आ चुकी है। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में एक एक लाइन में इन सारी योजनाओं में क्या क्या इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन सारी योजनाओं में, जैसे स्वयं योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड है, वन लाइनर में आपको इसे मेंशन करना है और इनका ईयर मेंशन करना है। इसके बाद हम बताएंगे कि एक आगे वे फॉरवर्ड क्या लिया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है डिजिटल लर्निंग को। तो सबसे पहला है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक्सक्लूसिव ना हो कि खाली ऑनलाइन ही एक पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन ही अवेलेबल हो रहा है या ऑफलाइन ही अवेलेबल हो रहा है, तो ऐसा ना हो, इंटीग्रेटेड हो, उनमें दोनों में कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के पूरक हो, जिससे कि बच्चों को ऑप्शन अच्छा मिल सके कि वो ऑफलाइन प्रेफर करेंगे या ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल बढ़ने वाला है, उससे छात्रों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है और व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों में सीखने के सभी घटकों को एकीकृत करना चाहिए, यानी जो कोर्सेज अभी भी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है उनको भी इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वैरायटी ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट्स को मिल सके और वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोर्सेज चूज कर सकें, जिससे उनको एकेडमिक या उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी वो लेना चाहें वो ले सकें, अपनी हॉबीज अगर अडॉप्ट करना चाहें तो वो उसे भी अडॉप्ट कर सकें, यानी उन्हें वैरायटी मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और इसके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को सारे कंपोनेंट जो लर्निंग के हैं उनको खुद में इंक्लूड करना होगा। इसके साथ ही साथ इनको जो अभी डिजिटल लर्निंग के एसेंशियल्स हैं, यानी कि उनका डिजिटल मटेरियल है, पीडीएफ के फॉर्मेट में, पीपीटी एक्सेट्रा, ये सभी प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि एक ही जगह पर स्टूडेंट को सब कुछ मिल सके और वो अपनी डिग्री अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाना चाहिए और डिजिटल डिवाइड को सुधारा जाना चाहिए। जो भी इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, कुछ एरिया में डिजिटाइजेशन हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, और बहुत सारे बच्चों के जो गैजेट्स तक पहुंच ही नहीं है, उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप प्रोवाइड करने चाहिए, जो कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेप ले रही है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्टेप लिया है और बच्चों को टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराए हैं। इस तरीके से नेशनल लेवल पर स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को अगर आप एजुकेशन को डिजिटाइज कर रहे हैं तो उनके पास इक्विपमेंट होने चाहिए उस एजुकेशन को एक्सेस करने के। फिर स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसी मौजूदा क्षमताओं का एकीकरण करना चाहिए, तो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सारी सर्विसेज बच्चे अवेल कर सकें। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम नया इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसे क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।